अगर सीजर भाई को कॉल कर रही हूँ तो बता दूँ आज शाम वो नहीं आएंगे। पर क्यों? वो शहर से बाहर गए हुए हैं। ठीक, शायद सुहान भाभी भी साथ हैं। अच्छा, सच कह रहे हो क्या? वो लोग साथ में क्या कर रहे हैं? पर मुझे लगा था तुम्हें सुन के खुशी होगी। हाँ, खुश हूँ। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? हाँ, आजकल कहाँ खोई रहती हो? कहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। केमाल, इस घर में बहुत सी नेगेटिविटी बढ़ गई है, हमें यहाँ पॉजिटिविटी लानी चाहिए। सोच रही हूँ पूरे घर में सफाई कर दूँ। वो रिजा यहाँ से चला तो गया है, पर उसके जाने के बाद भी मुझे यहाँ बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। मुझे यकीन नहीं होता कि कोई इंसान इतना घटिया हो सकता है। पहले पैसा निकालो, मेरे पास कुछ नहीं है। भूल गए क्या? हमने फैसला किया था कि आज तुम मुझे पहली इंस्टॉलमेंट दोगे। तुम्हारी वजह से जिंदगी में मैं पहली बार चोरी करने वाला था। तुमने जो कुछ भी तासीन कोरलुदाग के लिए आज तक किया उसका क्या? और वो कहावत सुनी है ना, चोर के घर में चोरी करना पाप नहीं बल्कि एक नेक काम होता है। तासीन कोरलुदाग से बड़ा चोर कौन है यहां, और उसको सबक सिखाने का यही वक्त है। सली, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? अब मुझे डर लग रहा है कहीं तुम मुझे मारने वाले तो नहीं हो ना? तुमने उस दिन मुझसे एक सवाल किया था कि क्या मैं आजाद होना चाहता हूं, और मेरा जवाब है हां। हर गुलाम अपने मालिक से आजादी चाहता है, लेकिन तुम अब खुद को मेरा मालिक समझते हो। ओह, आखिर तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही मैं मालिक हूं और ना ही गुलाम। हम दोनों पार्टनर्स हैं दोस्त, हम में कोई फर्क नहीं है। जो भी तुमने कहा मैंने बस वही किया था। मैं तुम्हें समझा चुका हूं, अगर मैंने तुम्हारा काम नहीं किया तो तुम मुझे धमकी दोगे। ये कैसी बराबरी हुई? ये सही नहीं है। अपने लिए दूसरा गुलाम ढूंढ लेना। सली, भूल गए क्या हमने डील की थी? ऐसे चीटिंग नहीं करते। खेल तुमने बिगाड़ा है, मैंने भरोसा करके गलती की, तुम्हारी वजह से मैं मुसीबत में फंसा। काश तुमने सारा काम ढंग से कर दिया होता, मेरी गलती नहीं है। शांत हो जाओ वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। ऐसी गलती मत करना सली, आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं तुमको, मैं धमकियों से नहीं डरता, बचपन से सुनते आया हूं ऐसी धमकियां। आज मेरी आंखें खुल चुकी हैं। ऐसा क्या? तो तुम्हें ऐसा लगता है? किसने खोली तुम्हारी आंखें? वही तुम्हारी समझदार बेटी ने। तुम कभी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, समझ गए? और जानते हो क्यों? नहीं नहीं नहीं, पर तुम जानते हो ना, तो तुम ही जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि अगर मैं फंसा तो तुम ही फंसोगे, मेरी बर्बादी तुम्हारी बर्बादी होगी। अपनी आंखें उसी पर रखना,
जुबान से किसी को शक ना होने पाए। बस उसके बाहर जाने का इंतजार है। उसके बाद या तो वो उस आदमी तक पहुंचाएगी या फिर मैं उसे डराऊंगा। अगर हमें उसका फोन मिल जाए तो हम उस आदमी तक जल्दी पहुंच सकते हैं। तो फिर कोशिश करके देख लो, हमें घंटों तक यहां नहीं बैठना पड़ेगा। स्वागत है आपका, क्या लेना चाहेंगे? मेरे लिए ये ठीक रहेगा। सोडा मिलेगा? ये लीजिए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, ये पार्टी कब तक चलने वाली है? सुबह के 4 बजे तक चलेगी सर। कहना आसान होता है पर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बदला लूंगी। कोरहान ऐसा नहीं है, पर किसी और लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? ओ कोरहान। मुझे भी एक यही वॉल ड्रिंक मिलेगी क्या? हाँ, बस पैसे मुझसे मत मांगना। ये मेरी तरफ से। शुक्रिया। तुम अपने पापा की तरह बिल्कुल भी नहीं हो। तुम में और तुम्हारे पापा में काफी फर्क है। 30 साल तक जेल के अंदर रहने के बाद भी तुम हम सबको काफी अच्छे से जानते हो। हाँ, जब कोई इतने सालों तक अकेला रहता है तो दूसरी आवाजों से ज्यादा दिल की बात सुनाई देती है उसे। प्यार की बातें, दिल की बातें, नफरत की, गुस्सा, जो ये सब कुछ समझ सकता है उसके सामने इंसान क्या? मुझे तो लगता है कि मैं खुद को भी नहीं जानता। क्योंकि तुमने अपने बारे में बाकी लोगों से बहुत कुछ सुना है। अपने सारे रिश्ते निभाने के चक्कर में असली कोरहान कहीं खो गया। मैं पापा भी बनने वाला हूं। ये तुम्हारे होने वाले बच्चे के नाम। जफर के सोते ये घर कितना शांत सा लगने लगता है ना मिस्टर दासन। क्या मैं थोड़ी देर आपके साथ यहाँ बैठ सकती हूँ? किसी से बात करने का बहुत मन कर रहा है। क्या आपके पास थोड़ा सा समय है?
मिसेज अदालत यहाँ पर होती तो हम यहाँ पर इस तरह नहीं बैठे होते। आखिर इस सब का क्या मतलब है? बस ऐसे ही लगा कि अगर मिसेज अदालत यहाँ होती तो उन्हें हमारा इस तरह बैठना अच्छा नहीं लगता। वो तो मुझे बिल्कुल अपना दुश्मन जैसा मानती थी। पता है मिस्टर तासन, मुझे तो लगता है कि वो मुझसे जलती थी। ऐसा नहीं हो सकता। अदालत मुझे अच्छी तरह जानती है, उसके सिवा मैंने किसी की तरफ देखा भी नहीं। आपकी बात ठीक है, पर एक्चुअली बात ये है कि ये जो औरतें होती हैं ना, ये एक दूसरे से बहुत जलती हैं। हाँ, बस मन में छुपा लेती हैं, पर यही सच है। उसने मेरे लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। थोड़े दिन की बात और है, वो जल्द ही आ जाएगी। काश वो घर जल्दी वापस आ जाए मिस्टर तासन। इंतजार करना कैसा होता है मुझे अच्छे से पता है। प्यार में ऐसा ही होता है, हर जगह बस वही दिखते हैं। माफ करिएगा, मैं अब आपको और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। पता नहीं, तुम्हारे पापा वैसे आदमी नहीं हैं। वो तो मेरे सिवा किसी की तरफ देखते भी नहीं। सही कहा ना? हाँ, ये मेरे लिए है। काफी अच्छी ड्रिंक है। कितने पैक पी चुके हो? गिने नहीं मैंने। तुमने गिने क्या? वैसे गिने तो होंगे, तो तुम क्यों नहीं बता देती कि मैंने कितने पैक पिए हैं? 5। आह, काफी तेज नजरें हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें रुकना चाहिए? तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। बस ये वाला लास्ट है। अपने लिए नहीं, तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। इतना क्यों पी रहे हो? वैसे तुम भी तो पी सकती हो। गाड़ी चलाने के लिए होश में होना जरूरी है। हमें छोड़कर सब डांस कर रहे हैं। तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारा भी डांस करने का मन कर रहा है? बताना चाहती हूँ कि सबकी नजर हम पर है। तो फिर डांस करना चाहोगी? चलो ना। Kan lekesi, izleri sildim, evet.
सलमा को किसी का फोन आया। काम करते करते थक चुकी हूं मैं, याद तो मुझे भी आ रही है। थोड़ा इंतजार करो ना बेबी, सब्र तो कर ही सकते हो। कल सुबह मैं 10 बजे तक निकलूंगी, परेशान मत हो, मैं सीधा तुम्हारे पास ही आऊंगी। आज तक मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया है क्या? ऐसा क्या हो गया? हाँ ऐसा कह रहे हो जैसे सब मेरी गलती है, तुम भी ना पागल। चलो अब तुम सो जाओ और आराम कर लो, कल मैं सुबह आती हूँ। सुबह तैयार रहना, और हाँ भूल मत जाना पिछली बार की तरह किसी और को घर में घुसने मत देना। बाय डार्लिंग। ये लीजिए सर। थैंक यू सो मच। सलमा ने उससे बात की, मैंने उसे कहते हुए सुना कि वो कल उसे मिलने वाली है। वाह, लगता है तुम्हारे अंदर का जासूस जाग गया है ना, तुम ऐसे नहीं मानोगे। सोचा तो था कि तुम कुछ करोगे, पर तुमसे कोई उम्मीद नहीं। वैसे भी यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं, वो लोग कल मिलने वाले हैं तो हमें सुबह तक इंतजार करना चाहिए। जा सो जाओ। हाँ जा रही हूँ, और मत पीना। पुलिस ने जगह की पूरी तरह से तलाशी ली है, लेकिन अब तक उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा है। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहा था ना मेरा इंतजार मत करना। मैं तो बस ऐसे ही यहाँ बैठी हुई थी। तुमने शराब पी है क्या? मीटिंग के लिए किसी के साथ होटल गए थे? तुम्हें इससे क्या चाहिए? मैं बस सोच रही थी कि इतनी रात तक कौन मीटिंग करता है। चाहिए, मैंने तुमसे कब कहा कि मेरी मीटिंग थी? मैंने कहा था कि मुझे काम है, और वैसे भी तुम्हें इस सबसे क्या मतलब है? जाओ और जाकर सो जाओ। हाय। हाय। क्या मैं आपको ज्वाइन कर लूं? आप बैठिए, मुझे जरा जाना है।
मैंने तुम्हें बहुत मिस किया करहान। सेलेन। क्या? तुम यहाँ कैसे? सेलेन कौन है? बकवास बंद करो और निकलो मेरे कमरे से। क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो? चाहे मैंने कहा ना बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। मैं जानती थी आज तुम उसी औरत से मिलने गए थे ना कोरहान। चाहे ये मेरा घर है और ये मेरा कमरा है, तो जाओ यहाँ से। और अगर बात समझ में नहीं आई तो सुबह दफा हो जाना यहाँ से। भाड़ में जाओ तुम। मुझसे धोखा? ऐसा क्यों किया तुमने सुहान? काश तुमने सब कुछ बता दिया होता। क्यों छुपाया तुमने मुझसे? बता देती तो क्या हो जाता? कुछ बदल जाता क्या? सब कुछ। कैसे? कैसे बदल जाता? क्या तुम कोई और इंसान बन जाते? क्या वो बन जाते जिसे मैं चाहती थी? मैं आज भी वही हूं जिसे तुमने चाहा सो। नहीं, तुम नहीं हो। तुम मेरी नजर से खुद को नहीं देख रहे हो। तुम बिल्कुल तासिन कोरलुदाग जैसे हो। जरा भी फर्क नहीं है। पर मैं कभी भी कोरलुदाग जैसा था नहीं। जिस दिन से तुम आए हो, पापा को कातिल कह रहे हो, और उसके बाद तुम खुद भी उनको मारने वाले थे। तुमने भी वही किया ना? पर मैंने मारा तो नहीं ना। ठीक है, वक्त को थोड़ा पीछे करो और सोचो कि मैं अभी भी प्रेग्नेंट हूं। ये बेबी बॉर्न होने वाला है। हम यहां से दूर चले जाएंगे, सब कुछ छोड़कर। भूल जाओ तुम यहां क्यों आए थे, हमारी जिंदगी में क्यों आए थे। भूल जाओ, भूल जाओ। तुम्हें बदला लेना है। हम एक साथ रहेंगे यहां से कहीं दूर। एक नए सीजर और सुहान बन जाएंगे। हमारा बच्चा नफरत से दूर बड़ा होगा। क्या जवाब देते तुम? तुम कभी जान नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। और अब बहुत देर हो चुकी है। शायद अब भी वक्त है। शायद तुम अब भी मुझे चुन सकते हो। आज भी तुम पुराने सीजर बन सकते हो। वो नामुमकिन है। मैं अब नहीं बता सकता। लेकिन क्यों? वजह क्या है सीजा? तुम ऐसा क्यों नहीं चाहते? क्योंकि मोहम्मद मेरे साथ नहीं है।
और तुमने तो हमारे बच्चे को भी मार दिया। तुम भी बिल्कुल अपने बाप की तरह। तुम दोनों कातिल हो। तुम सबको दोष देते रहते हो लेकिन अपनी गलतियां कभी नहीं मानते। हो सकता है तुम्हारी मॉम की डेथ तुम्हारी वजह से हुई हो। कैसा सोचा है तुमने? अगर तुम उन्हें यहां पर ना लाते, अपने बदले के लिए तुम उन्हें भी यहां पर ले आए, शायद वो यहां ना आती तो जिंदा होती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसका दोष खुद को नहीं देता? एक पल भी ऐसा नहीं बीता जब मैंने खुद को कसूरवार ना माना हो। शर्म आती है मुझे खुद पर। सीजा मैं I'm sorry, मेरे कहने का वो मतलब जरा भी नहीं था। तुमने सही कहा, सच में सारी गलती मेरी थी और उसकी सजा वो भी मुझे मिल चुकी है सुहान। लगता है सब कुछ खत्म हो गया। कुछ भी खत्म नहीं हुआ। मैं अब भी प्रेग्नेंट हूं। मैंने झूठ बोला था। जैसे ही 3 महीने होंगे मैं यहां से चली जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। अपने बच्चे को अकेले पालूंगी। अबॉर्शन नहीं करवाया तुमने? सच में हमारा बच्चा ठीक है ना? क्या अब तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे? क्या तुम हम दोनों को चुनोगे? मेरा बच्चा अब अपने पापा के प्यार के बिना नहीं रहेगा। काश वजह सिर्फ ये ना होती। काश तुमने मेरे लिए ये फैसला किया होता। मैं यही चाहती थी कि तुम मेरे लिए सब छोड़ दो।
तुम ये नहीं करोगे? जवाब दो। मुझे तो लगा कि आप मुझे भूल ही गए। ऐसी बात क्यों कह रही हो? तुम खुद बताओ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? इंसान यहाँ अजीब सा हो जाता है। जब सोचने के लिए ज्यादा वक्त हो तो खाली दिमाग में अजीब से ख्याल आते हैं। उन ख्यालों को समझना होगा अदालत। चाहे कुछ हो जाए पर तुम हार नहीं मानोगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तुम जल्दी ही छूट जाओगी। वाह 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 वाह, प्यार की बातें हो रही हैं। आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? अपनी बहन से मिलने आया था। क्या कर रहे हैं? क्यों, तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? क्या हो क्या रहा है? चल क्या रहा अदालत? ये सब क्या है? ये आदमी यहाँ आए दिन ऐसे ही आता रहता है। आज दूसरी बार आया है। मैं इसके जैसा नहीं हूँ। 30 साल में मेरी बहन एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। मैं जानता हूँ तुम्हारा जीना यहाँ कितना मुश्किल हो सकता है। इंसान का अकेलापन उसे काटता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मिस्टर दास, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप यहाँ नहीं आ पाएंगे। क्या चाहते हो तुम हम लोगों से? क्या चाहते हो? क्यों भटक रहे हो हमारे इर्द गिर्द? जिससे तुम अपनी गलतियां ना भूलो। क्या तुम्हें अपनी गलतियां याद हैं? बताओ भाई। मैंने उनकी सजा भी भुगत ली। अच्छी बात है, मैं भी वही कर रही हूँ। चले जाओ यहाँ से। तुम्हें कोर्लुदाग से निकलवा दूंगा। तुम्हारी शक्ल भी देखना लोगों को पसंद नहीं है यहाँ। बस कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो इस प्यारी शक्ल को। मैं जानती हूँ इसकी प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम है आखिर से? ये आपके साथ कोई डील करना चाहता है। ये चाहता है कि आप इसके सामने एक प्रपोजल रखें। मुस्कुराना बंद करो। आखिर किस तरह की डील करना चाहते हो तुम? हाँ, तुम लोगों को देखकर काफी हंसी आती है मुझे। डरने की बात नहीं है, मैं कुछ ऐसा नहीं मांगूंगा जो तुम दे ना पाओ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी होता है। अभी तुम लोगों के पास वक्त है, कुछ दिन और, बस कुछ वक्त। सही वक्त आने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। फिलहाल चलता हूं।
गुड मॉर्निंग। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है और अब तुम मेरे रूल्स फॉलो करोगी। तुम्हारा ब्रेकफास्ट सब तुम्हारा फेवरेट है। अच्छा, शायद रिहान के ब्रेकफास्ट जितना ही अच्छा बना हो। मुझे पता नहीं था तुम इतना कुछ बना सकती हो। कौरहान, आज से ये सारी लड़ाई खत्म करते हैं। मैं चाहती हूँ सब कुछ पहले जैसा हो जाए। देखो ना, मैंने पहली बार इतनी मेहनत की है, तुम्हारा ब्रेकफास्ट बनाया। तुम बात समझ नहीं रही हो चाहिए, अब बहुत देर हो चुकी है। कौरहान, प्लीज ऐसे बात मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिसे तुम चाहती हो, मैं अब वैसा आदमी नहीं रहा हूँ। वो आदमी मर गया है चाहिए, और आज मैं क्या बन गया हूँ ये सोचकर ही मुझे हंसी आती है। ये सब झूठ है, तुम ये सब उस लड़की के लिए कर रहे हो, है ना? तुम फिर से शुरू हो गई। तुमने सोते वक्त नींद में उसका नाम लिया था, मैंने खुद सुना। मैं हर चीज सह सकती हूँ, लेकिन धोखा नहीं सह सकती। आज भी मैं तुम्हारी बीवी हूँ, समझ गए तुम? धोखे की बात तो तुम करो ही मत, धोखेबाज तो तुम हो चाहिए। जो तुमने किया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। क्या कर रही हो? जा रही हूं मैं। कहाँ जा रही हो? वापस फार्म। तुमने कहा था कि वहां बच्चे को खतरा है, तो क्यों जा रही हो वहां? मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा था? नहीं, ये सब सच था, मगर तुम्हारे साथ रहने से बेहतर होगा कि मैं वहां जाकर खुद को पूरा दिन तकलीफ दूं। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? हम मिस्टर कनेत से मिलने आए हैं। और जरा जल्दी बुलाइएगा, हमें जरूरी काम है। मैं किसी कनेत को नहीं जानती हूँ, इस नाम का यहाँ कोई नहीं है। ऐसा है क्या? एक बार हम अपनी आंखों से खुद ही देख लेते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ बात करने आए हैं। अगर तुम कहो तो मैं पुलिस को भी बुला लेती हूँ। तुम लोग सीजर आलमदार गोलू कोलुदाग से, पहचाना नहीं क्या? आप मिसेस सुहान के हस्बैंड है ना? पुलिस रास्ते में है, उनके आने का इंतजार करना है या शुरू करें? नहीं, शुरू ही करते हैं। आओ कमरे के अंदर चलो, जरा आराम से बैठकर बात करें। आखिर प्रॉब्लम क्या है ये तो बताइए। फैक्ट्री से जो तुमने
लोहा चुराया उसी बारे में बात करनी है। वो सब तुमने किसके कहने पर किया? मिसेस सुहान, मेरा इस सब में कोई हाथ नहीं है। पर हमने ऐसा कब कहा? तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम हमें सच बता दो। और अब शराफत से हमें सब कुछ सच सच बता दो और मैं वादा करता हूँ मैं कुछ नहीं करूँगा। तुम अंदर कहाँ आ रहे हो? क्या मतलब कहाँ आ रही हूँ? मैं जब तक इससे बात कर रहा हूँ तुम यहाँ रहकर पुलिस का वेट करो। मैं खुद तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ सुहान, अब मुझे मेरा काम करने दो। सीजा, सीजा दरवाजा खोलो।